निक्की तंबोली ने राहुल वैद्य को फिर एक बार दी धमकी। कहा नहीं करते वो अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार की भी रिस्पेक्ट। क्या थी इन बातों की वजह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, देर किस बात की, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वक्त बिग बॉस की लाइव फीड में क्या हो रहा है। हुआ यूं कि निक्की तंबोली और राहुल वैद्य के बीच रूबीना और राखी के किचन ड्यूटीज की लड़ाई से जुड़ी कुछ मतभेद हो रही थी, और इसी दौरान निक्की अर्शी और रूबीना को फुसफुसाते हुए राहुल के खिलाफ कुछ बोल रही थी। राहुल ने ये देख लिया और उन्होंने तुरंत निक्की से कह दिया है कि जो कहना है डायरेक्टली कहो, मुंह पर कहो, इनडायरेक्टली मत कहो। जिस पर निक्की जो है उन्हें भड़कने का, अपना गुस्सा दिखाने का एक और मौका मिल गया, और वो बड़े ही बदतमीजी से राहुल के साथ बात कहने लगी कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ कहना होगा या किसी को कुछ बताना होगा तो मैं सबके सामने दिल खोल कर ये बात कहूंगी, तुमसे डरती नहीं हूं मैं और कुछ छुपाऊंगी नहीं। राहुल वैद्य जो है इस वक्त उनका इशारा समझ गए और उन्हें कहने लगे कि तुम्हें जो कहना है कह दो, तुम्हारे पास एक या दो ही मुद्दे हैं। अब यहाँ पर राहुल वैद्य जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। मैं बताती हूँ कि ये मुद्दे कौन से हैं। दरअसल कुछ समय पहले जब राहुल वैद्य और निक्की तंबोली अपने अपने री एंट्री के बाद जब बिग बॉस के घर में वापस आए थे तब ये बात उठी थी, और निक्की ने कहा था कि राहुल जो है उन्हें अनकंफर्टेबल मैसेजेस भेजते थे, उन्हें गाने भेजा करते थे, उन्हें वॉइस मैसेजेस भेजते थे, और इस बात को लेकर निक्की ने राहुल को घर में बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में राहुल ने उन्हें तभी कह दिया था कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बर्थडे विशेज में और बर्थडे मैसेजेस भेजे थे। साथ ही निक्की ने तब ये भी कहा था कि राहुल जो है वो दूसरी लड़कियों को भी मैसेजेस भेजते हैं, वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, जिस पर राहुल बहुत अनकंफर्टेबल हुए थे और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था। और इसी को आज साइड करते हुए फिर से निक्की और राहुल के बीच जो है वो एक इनडायरेक्ट फाइट और इस मुद्दे को लेकर ही जो है वो झगड़े हो रहे हैं, जहां पर राहुल उन्हें कहते नजर आते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी, तुम स्क्रीनशॉट्स के बेसिस पर मुझे बदनाम करोगी, स्क्रीनशॉट्स दिखाओगी, जाओ जो करना है कर लो। जिस पर चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पर निक्की क्या जवाब देती है, निक्की उन्हें कहती है कि वो स्क्रीनशॉट वाली बात तो पुरानी हो गई है, अब तुम्हें ये बताऊंगी जो तुमने अभी अभी नया नया किया है वो बात टेलीकास्ट होनी चाहिए। जी हाँ, निक्की राहुल से ये कहती है कि स्क्रीनशॉट वाली बात तो पुरानी हो गई, मैं तो उन्हें वो नई बात बनाना चाहती हूँ जो तुमने इस काउच पर बैठे बैठे की थी, वो बात टेलीकास्ट होनी चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा। तो अब दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी कॉन्वर्जेशन हुई राहुल और निक्की के बीच कि निक्की ने फिर एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड राहुल को धमकी दे दी। यू नो दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग। साथ ही वो उन्हें ये भी कहती हुई नजर आती है कि अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरी बातों पर रिएक्ट क्यों करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड तक को मैं पसंद नहीं हूं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि आप मुझसे बात कीजिए, तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, एटलीस्ट उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए और मुझसे बात मत कीजिए। और ये सुनकर राहुल भड़क जाते हैं और निक्की से कहते हैं कि तुम उनका नाम बीच में मत लो, उनका यानी उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार का नाम, वो निक्की से कहते हैं कि दिशा को बीच में मत लाओ। और इस वक्त निक्की उन्हें पलट कर ये जवाब देती है कि मैं दिशा का नाम बीच में लाऊंगी, जब मीडिया खुद बिग बॉस के घर के अंदर आकर दिशा का नाम लेकर ये कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है और उनको ये बात भी अच्छी नहीं लगती कि आप मुझसे बात करते हैं, तो फिर आप एटलीस्ट उनकी कदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और मुझसे मत भिड़िए, मुझसे बात मत कीजिए। इस बात पर जो है राहुल और निक्की की तकरार वो बनी रहती है और वो इसी तरह एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं। निक्की भी जो है चुप होने का नाम नहीं ले रही है और वहां राहुल भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और वो भी उन्हें पलटकर जवाब दे रहे हैं। अब उनकी ये लड़ाई और निक्की का उन्हें इस तरह से धमकी देना, ये सारी चीजें अब कब तक चलती हैं और किस तरह से आगे रूप लेती हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप बने रहिए हमारे साथ फिल्म विंडो पर, बिग बॉस के घर के हर एक कंटेस्टेंट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स हम आपको लाइव फीड के जरिए देते रहेंगे। थैंक यू।